गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ बैंगलोर की ओर। अभी मेरा फ्लाइट है एयर एशिया में और कौनसा में भी काफ़ी मदद की थी और यहाँ पे भी मदद कर रहे हैं संजय मैक्स भैया बोले संजय मैक्स तो वो मुझे आज भी वो मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने वाले हैं। तो ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय, ही इज़ फ्रॉम अरुणाचल बट सेटल्ड इन गुवाहाटी। तो हेलो एवरीवन, मिस्टर संजय मैक्स। आपका भी यूट्यूब चैनल है ना? हाँ, मिस्टर संजय मैक्स नाम से है, यूट्यूब चैनल नाम से ही है। ओके, तो गाइस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग फॉलो कर सकते हो, इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी यहाँ से कितना टाइम लगेगा भाई? यहाँ से और हाफ आवर, आधा घंटा लगेगा। ओके, मेरे साथ बैठे हुए हैं डीजे ज्योतिष मान। हेलो, व्हाट्स अप। हम निकलेंगे एयरपोर्ट की और एयरपोर्ट जैसे ही पहुंचेंगे मैं आपको अपडेट दूंगा। एंड एयरपोर्ट से निकलने के बाद जैसे ही बैंगलोर पहुंचूंगा मैं आप लोग अपडेट दूंगा। तीन हैंडसम लड़के खड़े होकर मेरा वेट कर रहे होंगे। जो फ्रेंड मुझे छोड़ रहे हैं ये। हेलो, जिनका गाड़ी है अपूर्व A to Z। अपूर्व A to Z सब्सक्राइब करिबो रे चैनल तो और सब अहोमियाते आसे मोर। ओके ओके, तो ये अभी सुपर फास्ट स्पीड में मुझे छोड़ रहे हैं क्योंकि आई एम गेटिंग लेट। एक्चुअली आज संडे इसलिए भी हम थोड़ा आगे बढ़ पाए, नहीं तो आज इतना भी नहीं हो पाता। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं एयरपोर्ट और मेरा जो बोर्डिंग टाइम था वो था 11:40 का और जो डिपार्चर टाइम था वो था 12:15 का। बट मैं अंदर घुसते घुसते गेट के सामने घुसते घुसते मुझे हो गए 12:05, तो मैं 10 मिनट पीछे रह गया। मतलब बोर्डिंग टाइम से अराउंड 30 मिनट्स लेट हो गया मैं, इसलिए मैंने अभी दूसरा टिकट काट लिया है। मैंने पहले काटा था एयर एशिया का, अभी मैं जा रहा हूँ विस्तारा से, तो अभी मेरा 2 बजे का फ्लाइट है। तो अभी मैं शू ख़रीदने के लिए थोड़ा रुका हूँ क्योंकि जो मेरा शू था उसका हालत बहुत ही ख़राब था, बहुत ही गंदा हो चुका था वो शू, तो इसलिए मैंने ये नए शू खरीदे। कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दीजिए। तो अभी मैं रुक रहा हूँ 2 बजने का, अभी तो मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से लेट हो जाऊँ। फाइनली बैंगलोर में लैंड कर लिया है, अभी मुझे कुछ भैया लोग लेने आएंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है बैंगलोर में, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, मैं कितना इन्जॉय करता हूँ और आज का शो कैसा होता है। सी यू गाइस। फाइनली रीच बैंगलोर और अच्छा लग रहा है यहाँ के, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हो रहा है 5:30, उसके बाद यहाँ पे स्टिल धूप है। हमारे वहाँ पे अगर होता तो अभी तक शाम हो चुका होता। बैंगलोर में लैंड हुआ कि नहीं, मैं अपने अरुणाचल को मिस कर रहा हूँ अभी से। और जिन्होंने मुझे यहाँ पे आज के शो के लिए बुलाया है, विट्स बी के टीम, विट्स बी एक ग्रुप है जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, तो वो लोग मुझे लेने आएंगे। गाइस सच बता तो मुझे फ़्लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये मेरा थर्ड टाइम है फ़्लाइट में और जब भी मैं फ़्लाइट से जाता हूँ मुझे हमेशा डर रहता है। मुझे एक्चुअली फ़्लाइट से थोड़ा डर भी लगता है, तो इसलिए मैं लैंड से ही जर्नी करना प्रेफर करता हूँ। आई प्रेफर टू यूज़ माई ओन व्हीकल, बट एमरजेंसी था तो फ्लाइट यूज़ करना पड़ा। एक फ्लाइट तो मेरा मिस भी हो गया। ओके, तो बैंगलोर पहुँचने की खुशी में एक छोटा सा ब्रेक। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में बताना चाहूंगा। ये दोनों ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि US डॉलर्स, यूरो वगैरह भी, और आपको 90% तक प्रॉफिट भी मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चूज करना है और फोरकास्ट करना है कि उस एसेट की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। देखिए मैं आप सभी को एग्जांपल से बताता हूं। मैं 700 रुपए का ट्रेड अप में करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा रुकते हैं। यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब इस अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में बस 24 आवर्स के अंदर विद्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है और आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो जिससे कि आपके डिपॉजिट डबल हो जाएगी, यानी कि जैसे आप 400 रुपीज का टॉपअप कीजिए और 800 रुपीज पाइए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बिनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाइए जिससे आप अपनी नई ट्रेडिंग लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग के स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स एंड आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? ओके, तो मेरे लड़के आ गए हैं। कितने लड़कियों को मतलब फ्लैट किया, कितने लड़कियां बेहोश हुए आपको? बेमा सबको बेहोश करता है।
अभी मेरे ब्लॉग में चार चांद लगने वाला है। भाई शी इज रूपदा। हेलो, नाइस टू मीट यू। तो निकले ना, चले ना। हाउ आर यू मैन? फाइनली वी मेट यू। ओके, फर्स्ट पे रेड बिना मास्क के भी इन लोगों को देख लीजिए। दिस गाइस आर सो हैंडसम। और प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Yeah, so I'm Bitsby, and yeah, continue, bro. All right, guys, this is Song Shim Hung Sung. We're from Mr. India 2021. Yeah, ek bar interview mein, inke interview mein maine dekha tha, he mentioned my name. He used to watch my channel. Yes, so, I do watch your channel. Thank you so much for that. Thank you so much. And next, our DJ Pema. I'm the DJ Pema. Aaj ko hum log ekdam dhoom machayenge, na? Sure. And here, this is Rin Chen. Team Whisby. Alright guys, so we have Lansing out here and welcome to you, brother. Welcome to Bangalore. Whisby also. To Bangalore. Welcome to Whisby as well. Yes, and today we're gonna have fun. So yeah, stay tuned, as well as if you have anything that you want to say to our viewers as well. आपको देख के लग रहा है कि बॉडी बना के आना चाहिए था। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉर्म वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप लोगों का ये आई थिंक पहला इवेंट है क्या विथबी का? नो, नहीं, मतलब जो बाहर से जो आया। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्लैड कि आपने हमें याद किया, एंड फ्यूचर में भी साथ में काम करेंगे। We're gonna rock Bangalore tonight. Yes, let's go Bangalore. गाइस, कर्नाटका बेंगलोर में अभी तक है धूप, अभी ढलने वाली है, 6 बज रहे हैं। अरुणाचल में तो 4:30 को ही ढल जाता है, तो यहाँ का वेदर कंडीशन काफ़ी अलग है। और कल मैं थोड़ा सा बेंगलोर का जो मस्त मस्त एरिया है उनमें उन जगहों में घूमूंगा, और मेरा बेंगलोर का एक्सपीरियंस कैसा जाता है आप सभी को बताऊँगा। तो रिंचन ब्रो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और गाइस ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे फ्लाइट प्लेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि पता नहीं, अजीब सा एक डर रहता है, क्योंकि अगर रोड में बाई रोड से जाएंगे और कुछ होगा तो हम एटलीस्ट हमारे पास कुछ ऑप्शन होगा, हम कुछ कर पाएँ, लेकिन हवा में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, तो इससे कभी कभी थोड़ा डर भी लगता है। बट स्टिल मुझे बेंगलोर बहुत इमरजेंसी में पहुँचना था, तो फ्लाइट से आया और काफ़ी अच्छा लग रहा है आके। फर्स्ट वाला फ्लाइट भी मिस हो गया, उस बात का दुख है, लेकिन हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं डेस्टिनेशन, और आज रात को मेरा शो है, और बेंगलोर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो आप ऐसे समझ लेना कि आज किसी आपका दीदी का शादी है, तो उसमें शादी में भाई गा रहा है ना, और तो आप तो कहीं मत जाइएगा ना। तो सब ये आफ्टर माय परफॉर्मेंस सबके साथ सिंगल पिक भी खींचना है, तो कहीं मत जाइए ना। हेलो गाइस, तो अभी हो गई है रात, मेरा परफॉर्मेंस हो गया, शो हो गया। शो बहुत अच्छा गया था, बहुत सारे लोग आए थे, मतलब इतना सपोर्ट किया अपने लोगों ने, मैक्सिमम अरुणाचली थे एज एक्सपेक्टेड, तो बहुत ही प्यार मिला आप लोगों से। आप लोगों जितने भी लोग आए हैं सभी को थैंक यू सो मच, एंड विट्सबी को भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा मुझे याद करने के लिए, बुलाने के लिए। और अभी हम कौन से चर्च स्ट्रीट में, मैं अपने कज़िन बहन, उसके बाद अपने दोस्त, अपने नए दोस्त, अपने दोस्त के भाई, अपने जीजू के साथ घूम रहा हूँ। अभी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30, तो अभी 4:30 के टाइम में हम सो नहीं रहे हैं। एक्चुअली मैं बेंगलोर में परसों वापस जा रहा हूँ बेंगलोर से, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा घूमूँ ना। तो सभी सबसे एक एक करके इंट्रोडक्शन दे देते हैं ना। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, अपना नाम बताइए। सांगे। सांगे, एंड आपका? अनिल लगो, ही इज फ्रॉम रोइंग, एंड सांगे इज फ्रॉम ईटानगर, बट इनका ओरिजिन है तवांग। और ये है दार्जिलिंग से, अपना नाम बताइए। हाय, इट्स डीजे फ्रिक बॉय। डीजे फ्रिक बॉय, इनका यूट्यूब चैनल भी है ना?
चैनल का नाम काइंड ऑफ लाइक आई जस्ट स्टार्टेड उसका नाम फ्रिक बुद्धि होगा ओके बिकॉज़ माय स्टेज नेम इज फ्रिक बुद्धि सो इट्स फ्रिक ओके तो ही इज अ डीजे और हियर इज डीजे नूंग DJ Nung in the house. आप कहाँ से हो? मैं रोइंग से हूँ और अरुणाचल अरुणाचल से ना ओके एंड माई कजिन सिस्टर तो कपड़ों को थोड़ा अच्छा ढको ना तो हियर शी इज कब्बी मेरा नाम ननंग शी इज एन एयरहोस्टेस एयरहोस्टेस में तो एन लगता है तो ना आगे में ना आई एम सो सॉरी गाइस माई इंग्लिश इज वेरी पुअर इनका इंग्लिश अच्छा होता है और फर्स्ट टाइम मैं आज एक्सपीरियंस करने वाला हूँ यूलू इसको बस क्या करना होता है आपको स्कैन करना होता है और चलाना होता है मेरे पास ऐप नहीं है बट सांगे के पास ऐप है तो वो स्कैन करेंगे मेरे लिए 20 रुपये बस लगते हैं तो मैं यहाँ घूमूंगा और आगे में बहुत टेस्टी सा चाय मिलता है चाय भी पीऊँगा इसे आप कह सकते हो क्यों क्या ओके स्टार्ट कैसे होता है पंच करो चेक वन इसको ना पंच इट वेट 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 क्या हाँ कंफर्म करो बोल रहे क्या करें स्कैन कर दो ना प्लीज हम बहुत गरीब हैं मेरा बस पैसा नहीं प्लीज आप स्कैन कर दो प्लीज चलो इसको स्कैन करना कर रहे हैं ना लेस बैटरी किस में बैटरी होगा चलो कहाँ तक चला सकते हैं कहाँ तक मतलब बहुत दूर तक जा सकते चर्च स्ट्रीट है बहुत ही फेमस जगह है बैंगलोर का बैंगलोर का सबसे फेमस जगह है कर्नाटका का कैपिटल बैंगलोर आप क्या बोल रहे थे दैट विल बी द व्हाट यू कॉल एमजी रोड मेट्रो स्टेशन एमजी रोड ओके एमजी रोड तो हर जगह पे ओके ऑन हो गया तो देखिए आई विल ड्राइव आई विल राइट थोड़ा वीडियो वीडियो बना दो ये है इसका स्टैंड ये लॉक है ये अनलॉक है अनलॉक हो गया ना स्टैंड आगे करो तो निकल जाएगा ओके तो कहां तक चला सकते हैं इसको कहीं भी जा सकते कहीं भी जा सकते ना जब तक बैटरी कार्ड लेके जाओ तो ग्राउंड क्लीयरेंस गाइस काफी अच्छा है मेरे कावासाकी निंजा बाइक से तो बहुत ही अच्छा है थैंक यू सो मच ब्रो अरे ऐसे जाते हैं ओ कि बस आपको इसको बस आपको ऐसे दबाना था तब ये आगे जाएगा और यहाँ में है इसका रिंग ओके इट्स सो कूल ठीक है हम आगे जाएगा हाँ मिलेगा नहीं हो जाओ ये पकड़ लेगा तो बाय बाय गाइस विल मीट मैं आ रहा हूँ वापस हाँ ओके तो गाइस ऐसा होता है मैंने यहाँ पे पैर रखा है स्कूटी की तरह है और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है एक्चुअली गाइस मैंने लैंड किया था शाम के 5:30 को तो यहाँ पे सेंट स्ट्रीट में पहुँचते हो गया शाम तो अभी मुझे रात को ही घूमने का मौका मिल रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरा शो था तो अभी मैं घूम रहा हूँ बेंगलोर में और गाइस आते वक्त तो मुझे गर्मी लगी थी बट जो यहाँ का टेम्परेचर है जो यहाँ का जो एटमोसफेयर है काफ़ी रिफ्रेशिंग है पोल्यूशन ज़्यादा नहीं लगा मुझे और पानी भी साफ़ है यहाँ का सब कुछ बढ़िया है काफ़ी साफ सुथरी जगह अभी मैं जाऊंगा यहाँ का मशहूर चाय पीने चाय मिलेगा ओके 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 नमस्ते वेलकम टू लेंसिंग वीकली चैनल यूट्यूब चैनल ओके तो मैंने कर दिया इसको पार्क मैं वापस लेके जाऊंगा इसको हाँ चाय दीजिए ना हेलो मस्त आपका नाम क्या है भैया बताइए भाषा खान 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 भाषा खान भाषा खान और बादशाह खान BASH और भाषा खान ओके काफ़ी कूल नाम है आपका तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चाय पिया था आपका मैं फिर से पीने के लिए आया हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी लगा है आई एम फ्रॉम अरुणाचल और आप जो यही के हो ओरिजिनली आप कहाँ से हो हम कश्मीर के हैं कश्मीर के हो ओके ओके मैं हूँ अरुणाचल से और अभी मैं इनका
टेस्टी सा चाय पीऊँगा तो हाँ मेरा हमको आपको आपसे मिल के बहुत अच्छा हुआ कि आप उतना दूर से आए हैं चाय पीने के लिए। हाँ जी, अब आप कभी अरुणाचल आए हो? आप दोनों नहीं आए ना? नहीं नहीं, मैं तो नहीं गया है। मैं सुना है कि बहुत अच्छा जगह है अरुणाचल। बहुत अच्छा जगह, एकदम ठंडा है, पूरा नेचुरल है, सब कुछ, पॉल्यूशन भी नहीं है बिल्कुल। पहले चाय दे, चाय दे, चाय दे, चाय पकड़ के पाएगा। हाँ चाय, चाय दीजिए, चाय दीजिए। दोस्तों को लोग के साथ आते हैं? हाँ 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 दोस्तों। क्या है ये? ये GoPro कैमरा है। कैमरा कैमरा है ये? हाँ जी कैमरा है। तो इसमें इसमें मतलब मैं व्लॉगिंग कर, मेरा यूट्यूब चैनल है जी। ये चैनल का नाम है लेंसिंग वीकली। मेरे 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है यूट्यूब में, सब्सक्राइबर्स है। अच्छा अच्छा। और अभी आपको, आप दोनों को भी लाखों लोग देख रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमको भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो बेंगलोर में एक्चुअली मेरा बेंगलोर में ये पहली बार है, तो मुझे कहाँ कहाँ घूमना चाहिए? दोनों साथ में मुझे कहाँ कहाँ घूमना चाहिए आपको? MG रोड, चर्च स्ट्रीट। हाँ जी। विधानसभा, लाल बाग घूमने का। बेंगलोर जो जो सिटी है बहुत अच्छा सिटी है जी। और यहाँ घूमिए, ये जगह भी दिन को मस्त है ना, ये जगह बहुत अच्छा है। इस चाय को आप क्या कहते हैं, मतलब नॉर्मल चाय? ये चाय का मसाला चाय नाम है। मसाला चाय नाम है ना, ओके ठीक। देखिए अगर अच्छा नहीं है तो फिर बोलिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। तो कैसे, अगर आप चर्च स्ट्रीट में आते हो तो इन बादशाह खान भैया से चाय पीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये बिल्कुल फ्री प्रमोशन है क्योंकि इनका चाय रियली में अच्छा है, बहुत ज़्यादा। शुक्रिया आपको बोलने के लिए, पीने के लिए शुक्रिया। आपका एक कप चाय का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ ओनली 10 रुपीज़। तो मेरे कजिन बहन के साथ इन भैया को सेल्फी लेना है। फिर ये लोग भी यूलो एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं यार, कितना मजा आ रहा है मुझे। होटल एम्पायर, बिगिस बर्गर। मम्मी की दीदी के बेटा है। वहाँ मैं बताना भूल गया, आपने इनको मेरे बहुत पहले वाले व्लॉग में भी देखा होगा। कब्बी मुनाम ननंग है इनका असली नाम, और ये मेरी मौसी की बेटी है, मेरी मम्मी की सबसे छोटी बहन की बेटी है ये। शी इज सुपर स्टाइलिश। अभी यूलू गैंग हम लोग फिर से रेस करेंगे वहाँ तक ना। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत नींद क्यों आ रहा है आपको? नहीं यार, नींद नहीं है। मॉर्निंग टी ना। थैंक यू ब्रदर। ओके, आज फर्स्ट टाइम पूरा जल रहा है स्ट्रीट ना। आप आए करिए। ओके, आप आए करिए। हाँ जी, मेरे आने के कारण सोलर आई है। सोलर लाइट है ना? ओके, मतलब खुद फ्यूज हो जाता है ना, लेकिन आज मैं आया हूँ इसलिए सोलर लाइट भी सपोर्ट कर रहा है। सोलर भी सपोर्ट कर रहा है आपको। हाँ जी, तो भैया अलविदा आप दोनों को भी, फिर मिलेंगे चलते चलते। या थैंक यू सो मच। अभी गुड मॉर्निंग, 5 बज गए अभी। तो अभी हम वहाँ पे पार्किंग स्टैंड पे वापस जाएंगे, तो वहाँ तक हम वापस जाएंगे, फिर से रेस लगाएंगे एंड यहीं पे ब्लॉग हमारा खत्म होगा। सी यू। ये वीडियो आप लोग को मेरे चैनल, ये वीडियो मेरा आप लोग को चैनल में देखने को मिल जाएगा। या सी यू नेक्स्ट टाइम टुमारो। बाय बाय बाय। टुडे टुमारो इज नो। या टुमारो इज नो। यस, टुडे ओनली। यस, इट्स टुडे ओनली। इट्स ऑलरेडी 4th अप्रैल। इट्स ऑलरेडी 4th ऑफ अप्रैल। तो चलिए बाय बाय। ओके ब्रो, बाय बाय। या सी यू बाय। चलो लेट्स गो। क्या बैठ लो, जल्दी बैठो। एक को पीछे रखना पड़ेगा आपके साथ। हाँ आ जा, ले बैठ जाएगा ना। ठीक है चलो, ठीक है। हाँ या बाय बाय टाटा। नो, आर यू एंजॉयिंग? एंजॉयिंग या थार में घूमने नहीं मिले सभी ना। पर इस साइड से देखो, इस साइड नहीं, इस साइड से नहीं आ रहे, इस साइड से क्लियर है। हाँ ये ठीक है। ओके, नहीं आप ना अरुणाचल आएगा तो ना थार से भी घूमने मिलेगा। एक्चुअली नूंग, हाँ नूंग बिलोंग्स फ्रॉम माई कम्युनिटी, शी इज़ फ्रॉम रोइंग, शी इज़ ऑल्सो आदि। और पता नहीं बेंगलोर में क्या इतना अच्छा लगता है बेंगलोर से। मेरे लिए तो जो भी हो अरुणाचल ही बेस्ट है। आप भी आएगा ना? कितना स्पीड है इसका? फर्स्ट टाइम है ना। ऑल द क्रेडिट गोज टू संगे, उनका पास ऐप था ना इसका, इसीलिए ना। वही मजा है ना, मजा है ना। बेंगलोर का नाइट लाइफ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है ना। ओके, हम लोग आ गए, स्टैंड पहुंच गए हैं। ए लिखो
Yes. Yay. Yay. चलो तो गाइस okay. काफी ज्यादा मजा आया मुझे, थोड़ा इसको पार कर दे ना. ओके तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इन लोगों के साथ. आप लोगों को थैंक यू सो मच, और विट्स भी जिन्होंने मुझे बुलाया, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच. और अभी का भैया लोगों को मिलके भी बहुत अच्छा लगा. अन्ना को भी मिलके बहुत अच्छा लगा. अन्ना ही बोलते हैं ना. और आप दोनों को भी मिलके अच्छा लगा. ये सभी बेंगलोर वासी है. मैं अकेला हूँ अरुणाचल में रहने वाला. ये लोग भी एक्चुअली अरुणाचल ही है, ये दार्जिलिंग से है, बट स्टिल मतलब ये लोग यही रहते हैं और मैं अरुणाचल में रहता हूँ. तो गाइस इसी के साथ अच्छा है मेरा व्लॉग खत्म होता है. इससे पहले कि सुबह हो जाए मुझे सोना पड़ेगा. अभी 5:30 हो गया ऑलमोस्ट. अभी यहाँ पे थोड़ा लेट से उजाला होता है, तो अभी मैं सो जाऊँगा. पी ले. थैंक यू सो मच वॉचिंग. बाय बाय. जय हिंद. वंदे मातरम.